呀！गुस्से वाली और जहरीली नागन है। अगर किसी को काट ले तो पानी में पानी भी नहीं मांगेगा और फौरन मर जाएगा। वो देखो, सामने तिलिस्मी बीन है। उसे बजाने से इसकी आंखें खुल जाएंगी और ये मस्ती में नाचने लगेगी। जब वो मस्त हो जाएगी तब इसकी कमर में से जादू छड़ी निकाल लेंगे, उसको पता भी नहीं चलेगा। जाओ, पहले वो बीन किसी भी तरह से चुरा कर लाओ। Thank you.
शहजादी की राजा मरी, वो जादुई छड़ी मुझे वापस दे दे। ये जादुई छड़ी तेरी नहीं, मेरी शहजादी गुलबहार की है। गुलबहार तो समंदरी बला इफ़ीत के मुंह में बंद है, बस अब वो कुछ देर में मर जाएगी, और जब वो मर जाएगी तब उसे इस जादुई छड़ी की जरूरत नहीं रहेगी। इसलिए गुलबहार को मरने दे और ये जादुई छड़ी मुझे वापस दे दे। नहीं, मैं उसे मरने नहीं दूंगी। उसकी मौत से कई लोग मर जाएंगे। आफाक की याददाश्त वापस नहीं आएगी, वो वापस नहीं आएगा। फिरोजा इंतजार कर रही है। फिरोज बग आफाक की तलाश में मारा मारा फिर रहा है। फिरोज बग फिरोजा को तलाक दे चुका है। फिरोजा हर पल आफाक के लिए तड़प रही है। आफाक आएगा तो फिरोजा की शादी होगी। फिरोजा को पता भी नहीं कि आफाक कहाँ है। आफाक का मिलना जरूरी है, वरना फिरोज बख्त की ये कुर्बानी अपने दोस्त आफाक के लिए बेकार जाएगी। हवस परस जरमाही आफाक से शादी कर लेगी, अपने महल में ले जाएगी। महल में जाकर फिर आफाक कभी वापस नहीं आ सकता। उसकी याददाश्त वापस नहीं आएगी। फिरोजा इंतजार करते करते मर जाएगी। फिरोज बख्त गम से पागल हो जाएगा। सबके माँ बाप सदमे से मर जाएंगे। तीनों खानदान खत्म हो जाएंगे। एक तेरी वजह से खानदान, नस्ल, दोस्ती, मोहब्बत सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसलिए ऐ मल्लिका मारे सियाह, रहम कर फिरोजा पर, रहम कर। तू नागन है तो क्या हुआ, तू भी तो एक औरत की तरह है। तेरे सीने में भी अपने शौहर के लिए प्यार है। तू प्यार की कसक, प्यार की तड़प को समझती है। पहले ये बता, वो क्या राज है जिसकी वजह से उस शैतानी सरकटे खबीस की तदबीर पर फिरोज बख्त, फिरोजा और आफाक ने अमल किया है, जिससे ये तबाही शुरू हो गई है और सब आफाक और फिरोजा की शादी के खिलाफ हो गए हैं। आखिर ऐसा क्यों? मुझे वो राज बता दे तो मैं तुझे छोड़ दूंगी, वरना मेरा जहर तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मुझे वो राज बता दो कि आफाक और फिरोजा की शादी क्यों नहीं होनी चाहिए। ये राज तो हम भी नहीं जानते, लेकिन इतना जरूर जानते हैं, किस्मत के कुछ राज ऐसे होते हैं, अगर उन्हें राज ही रहने दिया जाए तो उसी में उन बदकिस्मत लोगों की भलाई है जिनकी जिंदगी उन राजों में छुपी है। अगर आफाक और फिरोजा की शादी हुई तो किस्मत बहुत भयानक इंतकाम लेगी। सच कहा तुमने, लेकिन फिर भी मैं इंतजार करूंगी और देखूंगी कि आफाक और फिरोजा का अंजाम क्या होता है। जाओ, ये जादुई छड़ी ले जाओ, मैंने तुम्हें आजाद किया। शुक्रिया ऐ मल्लिका ऐ मारे सिया, तेरी इस रहम दिली का शुक्रिया। ये तो बताओ कि उस समुद्री बला के बंद मुंह में शहजादी गुलबहार को ये जादुई छड़ी कैसे पहुंचाए? ये लो तिलिस्मी तीर, उस समुद्री बला की आंख में मार देना, और जैसे ही ये तीर उसकी आंख में लगेगा तो उसका मुंह खुल जाएगा, और जब वो अपना मुंह खोलेगी तब तुम ये जादुई छड़ी उसके मुंह में फेंक देना। शुक्रिया, तेरी इस मदद का बहुत बहुत शुक्रिया ऐ मल्लिका ऐ मारे सिया। जाओ, जल्दी जाओ, गुलबहार को आजाद कराओ, वरना आज शाम को जरमाही आफाक से शादी कर लेगी। अभी थोड़ी देर के बाद मेरी बेटी से तेरी शादी हो जाएगी, फिर दुनिया का
कोई भी जादू तुम्हें मेरी बेटी से नहीं छीन सकता। मेरे माबूद, ये फूल क्यों उड़े? पत्थर की तरह मेरी बेटी के सर पर लगे, आखिर ये क्या राज है? खन्नास, मेरे माबूद। मुखबिर, मैं हाजिर हूँ मेरे आका। शहजादा आफाक की क्या हालत है? अभी तक उसकी याददाश्त वापस नहीं आई। फिरोज वक्त और फिरोजा कहाँ है? फिरोजा जजीराए निशात महल में है और फिरोज वक्त आफाक की तलाश में समुंदर के किनारे किनारे जा रहा है। और जजीराए गुलरंग की शहजादी जादूगरनी गुलबहार कहाँ है? गुलबहार अभी समुद्री बला के मुंह में कैद है। अब उसकी राजदा परी उसे आजाद कराने के लिए वहां पहुंची है। ऐ समंदरी बला इफरीत, मेरी शहजादी गुलबहार को अपनी कैद से आजाद कर दे। मुझे डर है कहीं दम घुटकर गुलबहार मर न गई हो। इसलिए अब देर न कर राजदा परी, छोड़ दे तीर, फोड़ दे आँख और खोल दे उसके बंद मुंह का कैद खाना। शहजादी गुलबहार, अब जल्दी से अपनी जादू छड़ी उठाओ ताकि ये तख्त यहां से निकल जाए, वरना समुद्री बला अपना मुंह बंद कर लेगी। हम मौत के कारखाने में फिर से कैद हो जाएंगे। जादूगरनी, तेरी समंदरी बला इफ्रीत का बंद मुंह राजदा परी ने अपने तिलिस्मी तीर से खुलवा लिया है और गुलबहार तख्त पर मगरमच्छ जिन के साथ फरार हो गई है और जाते जाते शैतानी खुदा का खास इफ्रीत के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। देखा सुनिया तूने, ये क्या हो रहा है? मेरे शैतानी खुदा, अल्लाह के बंदे तेरे बंदों को मार रहे हैं। तेरी समंदरी बला इफ्रीत के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। ये ले, इसमें उल्लू का अर्क है और हैवान इबलीस का खून शामिल है। इसे आफाक को पिला दे। अब जल्द ही मैं तेरी शादी इससे करा देती हूँ। शहजादा आफाक, मेरे महबूब, हमारी शादी की सब तैयारियां हो चुकी हैं। बस अभी हमारी शादी होने वाली है। शैतानी रस अदा करने के लिए इसे पी लो, इसे पी जाओ।
मोहब्बत का शरबत है, एक दूसरे के लिए पागल हो जाने का शरबत है। हमारे शैतानी खुदा का ये खास शरबत मेरी माँ ने खास तौर पर तुम्हारे लिए अपने हाथों से बनाया है। अब सोचो मत, पी जाओ इसे। पीने के बाद हर जगह मैं तुम्हें नजर आऊंगी और तुम मेरी मुट्ठी में नजर आओगे। मैं तुम में समा जाऊंगी और तुम मुझ में समा जाओगे। फिर हम दोनों एक हो जाएंगे और जब एक हो जाएंगे तो फिर कोई भी तुम्हें मुझसे छीन कर नहीं ले जा सकता। फिरोजा, फिरोज बख्त या फिरोज बख्त का अमीर फकीर या आफाक का जादूगर पाप भी छीन कर नहीं ले जा सकता। पी जाओ मेरे महबूब, पी जाओ मेरे महबूब। नहीं आफाक, नहीं शहजादा आफाक, नहीं, नहीं आफाक, नहीं, नहीं, पीलो आफाक, नहीं आफाक, नहीं ये नहीं पीना। खुदा रहम करे तुझ पे। अरे खुदा, बचा हर बला से आफाक को, बचा दे दोस्त को दोस्त से मिला दे। फिरोज बख्त की तलाश नाकाम हुई, उसे कामयाब कर दे, उसे कामयाब कर दे। अगर आफाक मुसीबत में हो तो उसकी मुसीबत दूर कर दे, अगर वह कैद में हो तो उसे आजाद कर दे, अगर उस पर कोई जादू हो तो उसके जादू को बेअसर कर दे, अगर वो बीमार हो तो उसे तंदुरुस्त कर दे, अगर वो भूल गया हो तो उसे याद दिला दे, उसे याद दिला दे मेरे खुदा, उसे याद दिला दे कि वो आफाक है। उसे शैतान मलून से बचा, उसे शैतान मलून से बचा, उसे शैतान मलून से बचा। शैतान मलून, तुझे अपने जाल में फांस लिया, तुझे अपने दोस्त फिरोज बख्त के पास जाना है। तेरी फिरोजा मेरा इंतजार कर रही होगी। ये मैं कहाँ आ गया? ये क्या हुआ? हमारा सब जादू बेअसर हो गया। ये किसी अल्लाह वाले की दुआओं का असर है, सब जादू बेकार हो गया। अब जल्दी से मेरी शादी करा दो। शादी तुझसे, शैतान की बेटी से? हरगिज़ नहीं, कभी नहीं। शादी मैं सिर्फ फिरोजा से करूंगा, सिर्फ फिरोजा से। हट, जाने दे मुझे। नहीं, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। जाने दे मुझे, खबीज की बेटी, शैतान की बच्ची, जाने दे मुझे। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। मैं तुझे मार दूंगा। तुझे मारूंगी, तुझे मेंढा बनाकर तुझे काटूंगी।
और तेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके समुद्री जानवरों को खिला दूंगी। तुम बाहर, खुदा तुम बाहर जादूगरनी शहजादी को मेरे पास भेज दे मेरा खुदा, तुम बाहर।